करता चलिए दोस्तों, चलिए चलिए मिलते हैं मिलते हैं दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर इंग्लिश तो समझ में आ रही है, लेकिन वो जो एक एरर वाला सेक्शन है ना दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं इशू आ रहा है सर। अब वो एरर वाला सेक्शन जो एक्चुअल में देखने में एक शब्द है छोटा सा एरर, लेकिन अगर हम ग्रामेटिकल एरर की बात कर रहे हैं तो उसमें एक शब्द मैंने यूज किया ग्रामेटिकल एरर माय डियर फ्रेंड। अब ग्रामेटिकल एरर का क्या मतलब हुआ कि पूरे आर्टिकल से लेकर कंजंक्शन तक के सभी चैप्टर्स को ज्वाइन करके आपस में क्लब करके अगर उससे कोई क्वेश्चन बनाया जाए दैट इज कॉल्ड ग्रामेटिकल एरर। तो दोस्तों इसके कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं, बहुत आसान रूल होते हैं, अगर आप उनको स्टडी करते हैं तो एग्जाम बहुत इजी हो जाता है। 90% स्टूडेंट के साथ जो ऑब्जर्व किया गया वो एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, एक क्वेश्चन करते हैं और एक आंसर सीखते हैं। नहीं दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन होते हैं, आपको ये भी फिगर आउट करना होता है कि बाकी तीन गलत क्यों हैं। अगर हम एलिमिनेशन स्टेज कंक्लूजन वाले अप्रोच की तरफ चलते हैं दोस्तों तो एग्जाम बहुत इजी हो जाता है। तो दोस्तों अपना कॉपी पेन तैयार रखिएगा। मेरा नाम योगेश कुमार और मैं लास्ट 15 सालों से दोस्तों मुखर्जी नगर एरिया में अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे मौका मिला है कि मैं अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ जुड़ सकूं दोस्तों, और उम्मीद करूंगा कि जैसा मुझे ऑफलाइन में प्यार मिला ऐसी मुझे ऑनलाइन में प्यार मिलेगा। तो दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारे सेशन को अटेंड करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। अब आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आसान है, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने आंसर भी दे दिया होगा। थोड़ा सा साइड में रहूंगा जिससे कि आप आराम से सेशन देख सकें, क्वेश्चन देख सकें दोस्तों। अब जैसे ही पहला क्वेश्चन देखा तो हमें एक चीज नजर आएगी, यहां पर Neither of them has finished their assignment. अब देखिए छोटा सा ग्रामेटिकल कंसेप्ट था, हमारे पास ये चार ऑप्शन थे, लेकिन जैसे ही मैंने नाइदर को देखा तो मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट याद आया। वो क्या कंसेप्ट था दोस्तों? वो कहता है नाइदर ऑफ के बाद हमेशा आपका जो नाउन है वो प्लूरल नाउन आएगा और जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। तो नाइदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, तो मुझे प्लूरल नाउन तो मिल गया दोस्तों, और उसके बाद मुझे सिंगुलर वर्ब चाहिए और मुझे सिंगुलर वर्ब भी मिल गया। लेकिन इसके बाद अगर मैं ये कहूं कि मुझे प्रनाउन कौन सा चाहिए तो दोस्तों वो प्रनाउन भी मुझे सिंगुलर चाहिए दोस्तों। अब मुझे यहां जो प्रनाउन मिला है वो दोस्तों देयर मिला है। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर प्रनाउन दोस्तों। तो आंसर आपने डिसाइड कर लिया होगा और उम्मीद करते हैं कि आपका सही आंसर होगा। चलिए तो राइट आंसर इज हिज असाइनमेंट। तो दोस्तों ये था पहला क्वेश्चन, उम्मीद करेंगे कि आप टेक्निकली समझ में आ रहे हैं। अच्छा अभी हम कुछ बेसिक और मॉडर्न लेवल लेके चल रहे हैं एंड ग्रेजुअली हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ भी लेके चलेंगे दोस्तों। आप चैनल पे अगर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बताते हैं, ये था इसका आंसर दोस्तों, ताकि आपके कोई डाउट ना हो वो भी क्लियर हो सके। सेकंड पे आते हैं। अच्छा मेरे आंसर से पहले आप आंसर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, अपनी कॉपी में टिक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, द कंसर्ट वॉज कैंसल ड्यू टू द रेन। अब यहां पर एक शब्द आया ड्यू टू द रेन, अब उसने कहा ड्यू टू रेन, ड्यू ऑफ द रेन, बिकॉज द रेन, ओइंग टू रेन। अब सबसे पहले यह समझने की जरूरत होती है कि हमारे पास एक शब्द है ड्यू टू, एक है बिकॉज, एक है ओइंग टू। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे? चलिए ये क्वेश्चन आपके भरोसे करते हैं, पहले एक बार आप क्विज कर ले फिर वापस आके लॉजिक समझते हैं, ठीक है दोस्तों? इस तरह से मजा भी आएगा और आपको एक एंटरटेन भी हो जाएगा। चलिए मैं लास्ट के 5 सेकंड दे रहा हूं, आपने एक टिक कर देना है, फिर आपको आंसर दिखाता हूं, फिर लॉजिक समझते हैं। चलिए दोस्तों 1 2 3 4 5, आई होप कि क्लिक कर दिया होगा आपने। चलिए दोस्तों क्या आपका आंसर यही था या नहीं था दोस्तों? चलिए अगर था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं था तो उसको लॉजिक के वाइज देख लेते हैं। चलिए बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ काम करेंगे। अब उसने ऑप्शन दे दिया हमारे को ड्यू टू रेन और ड्यू ऑफ द रेन। अब रेन या द रेन, पहले तो इसको लॉजिक को समझते हैं दोस्तों। अच्छा द आर्टिकल कब लगाया जाता है दोस्तों? जब हमें चीजें डेफिनेट होती हैं। एक बार छोटा सा कंसेप्ट है, एक एक पॉइंट में आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब कुछ चीजें डेफिनेट होती है तो हम द रेन लगा देते हैं, लेकिन हमें तो रेन मालूम ही नहीं है, रेन तो एक फिक्स है। क्लियर हो गया दोस्तों? हम ये तो नहीं कह रहे कि जो बारिश हुई थी शिमला में वो बहुत खतरनाक थी, हमने ऐसी कोई पर्टिकुलर बारिश की बात नहीं किया दोस्तों। तो ये तो क्लियर है कि हम इस रेन पे काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों बिकॉज द रेन, ओइंग टू रेन। अब यहां पर एक बड़ा खतरनाक शब्द आ गया दोस्तों, एक आ गया ड्यू टू और एक आ गया दोस्तों ओइंग टू।
अब ये खतरनाक शब्द है, इसको हमें समझना होगा। अब ड्यू टू क्या कह रहा है और ओइंग टू क्या कह रहा है, तो दोस्तों क्या लगता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ड्यू टू और ओइंग टू। अब जो कंसर्ट था वो कैंसिल हुआ था किसकी वजह से, ड्यू टू रेन या ओइंग टू रेन? अब अगर आप ड्यू टू और ओइंग टू को समझने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों ड्यू टू जो है जो ड्यू टू है दोस्तों बहुत सिंपल है, अगर आपका कोई एक रीजन है जो रीजन नेचुरल है तो ड्यू टू है, और अगर आपने बनाया है मतलब आपकी वजह से कोई मिस्टेक है तो दोस्तों वो ओइंग टू है। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा आंसर, और आपका लॉजिक तो क्लियर था ही दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। शी इज द वन हुम आई एडमायर द मोस्ट, और ऑप्शन है हु आई एडमायर मोस्ट, हुम आई एडमायर द मोस्ट, हु आई एडमायर मोस्टली, हु आई मोस्ट एडमायर। शी इज द वन हुम आई एडमायर द मोस्ट। तो दोस्तों क्या लगता है यहां पर, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन आ गया, दो शब्द है दोस्तों आपके पास हु और हुम। अब दोनों में एक डिफरेंस होता है, अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो हु जो है हमेशा किसका काम करता है दोस्तों, सब्जेक्टिव केस का। मैं आपको छोटा छोटा लॉजिक बताता जाऊंगा, और हुम जो है दोस्तों वो किसका काम करता है, वो ऑब्जेक्टिव केस का काम करता है। तो दोस्तों मैंने लॉजिक तो दे दिया, क्या आपने आंसर प्रेडिक्ट कर लिया दोस्तों, क्या आप आंसर ढूंढ पा रहे हैं? तो ये तो क्लियर है कि यहां पर शी जो है दोस्तों वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट है कि अगर ये सब्जेक्ट है तो दोस्तों यहां पर मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए था, ये भी क्लियर है, यहां पर मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। यहां ध्यान से देखिएगा, अब इसका मतलब ये तो क्लियर है कि हु वाला शब्द ये तीनों तो नहीं आएंगे, तो राइट आंसर मिल गया दोस्तों मुझे, शी इज द वन हुम आई एडमायर द मोस्ट। चलिए दोस्तों ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन, आपको आंसर मिल गया, यही था हमारा बी ऑप्शन दोस्तों। लॉजिक को ध्यान से समझिए, समझिए नहीं हो तो प्लीज प्लीज चैनल के नीचे आपको जो कमेंट का बॉक्स बनता है कमेंट जरूर करिए दोस्तों, ताकि उसके ऊपर और वीडियो बना के आपकी हेल्प की जा सके। नेक्स्ट, द सीईओ अलोंग विद द बोर्ड मेंबर्स आर अटेंडिंग द मीटिंग। अब जैसे ही इस क्वेश्चन को देखा दोस्तों माइंड में आ गया होगा, हाँ सर ये तो एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट। अब जैसे ही आपने इस टॉपिक को देखा तो आपको ये क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट तो मुझे मिल गया है, और ये मुझे मिल गया है कंजंक्शन, और ये मुझे मिल गया है सॉरी अलोंग विद, ये मेरा कंजंक्शन है और ये मेरा उसके साथ वाला दूसरा सब्जेक्ट है। अब इंग्लिश कहती है कि जब आपके पास इस तरह का कंसेप्ट हो तो हमेशा आपको पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करना होता है, जब सब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन प्लस दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे अलोंग विद और एज वेल एज, इस तरह के और भी कंजंक्शन, इसको हम प्रॉपर एक चैप्टर के थ्रू करेंगे दोस्तों। तो हमारा आंसर मिल गया दोस्तों, क्या करना चाहिए दोस्तों, चार ऑप्शन में थोड़ा भी साइड में आ जाता हूं जिससे आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करना चाहिए, आपके पास इज अटेंडिंग है, आर अटेंडिंग है, हैज अटेंडेड है, तो दोस्तों हम टेंस तो चेंज नहीं करने वाले हैं, ये तो क्लियर हो गया, हम टेंस चेंज नहीं करने वाले हैं, इसका मतलब हमारे पास ये प्लूरल वाले दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, तो हम टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, तो राइट आंसर हमारा मिल गया दोस्तों ए ऑप्शन, द सीईओ अलोंग विद द बोर्ड मेंबर्स इज अटेंडिंग द मीटिंग। दोस्तों कहीं ना जाइए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और सिर्फ 10-15 मिनट का सेशन होता है, उसको पूरा अटेंड करिए, आपको मजा आएगा और ये भी पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या था दोस्तों। चलिए ये तो आंसर था दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं। आई हैवंट सीन नाइदर ऑफ देम फॉर वीक्स। मैं बिल्कुल साइड में रहता हूं ताकि आप अपना एक माइंड मेकअप कर सके और आंसर डिसाइड कर सके। और अब यहां पर ऑप्शन जो है वो आपको क्लियर हो गए हैं, हैवंट सीन आइदर ऑफ देम, हैवंट सीन बोथ ऑफ देम, हैवंट सीन मतलब उसने यहां से लेकर इस ऑप्शन के ऊपर आपके ऊपर एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट मांगा है दोस्तों, इसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहते हैं। आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगर आप इसमें से कहें तो आपको ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव दिया गया है, हैव नॉट दिया गया, और ये तो क्लियर है कि जब नॉट आता है तो दोबारा से नाइदर नहीं आता, दिस इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, एक चीज को बार बार रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक बार नॉट लिखा हुआ है, जैसे हमारा एक एग्जांपल आता बहुत अच्छा, आप वहां पर प्रिवेंट लिखा हुआ है और प्रिवेंट के बाद आप नॉट लगा रहे हैं, तो प्रिवेंट का मतलब ही मना करना है और फिर आप नॉट लगा रहे हैं, तो दोस्तों ये गलतियां नहीं करनी होती है। तो अब आपको आंसर मैंने हिंट दे ही दिया दोस्तों, उम्मीद करूंगा अगर आप अब भी सही आंसर निकाल लेते तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा दोस्तों। चलिए
अब तो ये क्लियर है कि आई हैवंट सीन बोथ ऑफ देम, अच्छा मुझे ये पता नहीं चला है कि वो एक है या दो है, आई हैवंट सीन एनी ऑफ देम, आई हैवंट सीन नन ऑफ देम, तो क्या करना चाहिए दोस्तों? उसने नाइदर लगाया तो हमें तो क्लियर हो गया कि हैव नॉट के बाद दोबारा नहीं आएगा, तो दोस्तों हमारा आंसर बहुत आसान हो गया है, आई हैवंट सीन आइदर ऑफ देम, क्योंकि हैव नॉट में नॉट छुपा हुआ था, तो दोबारा से आपको नाइदर की जरूरत नहीं थी दोस्तों। आई होप कि आपका स्कोर सही चल रहा होगा और आपका स्कोर भी इंप्रूव हो रहा होगा, और गलत भी आ रहा है तो लॉजिक जरूर क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, द कंपनी अपोस्ट्रोफी सक्सेस इज एट्रिब्यूटेड टू बोथ द सीईओ एंड हिज टीम। अब देखिएगा क्या हुआ यहां पर, द कंपनी सक्सेस इज एट्रिब्यूटेड, अब एट्रीब्यूट जो है वो एक वर्ब है दोस्तों, अब ये वर्ब है इसके बाद प्लस वी वन आ जाए, ऐसा कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं होता, इसके बाद एट्रीब्यूटेड आ सकता है द कंपनी सक्सेस, और सक्सेस जो है वो तो हमारा दोस्तों सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ आर तो आएगा नहीं ना ही वर आएगा, और पहला हमने पहले ही गलत कर दिया था जिसमें हमने कहा था कि इसके बाद वी वन तो आती नहीं है। अब ये जो एट्रीब्यूटेड है दोस्तों ये किसका काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल या वी थ्री या वर्ब के थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव भी कह सकते हैं दोस्तों। तो कंपनी सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड टू बोथ द सीईओ एंड हिज टीम, तो राइट आंसर मिल गया दोस्तों हमें अपना, और उम्मीद करेंगे कि आपका स्कोर सही होना चाहिए दोस्तों। फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार नहीं दो बार जरूर देखिए दोस्तों, और जिस तरह के भी क्वेश्चन आप उम्मीद कर रहे हैं वो आप हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हाँ कई बार क्या होता है कई क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं तो वो आपका आंसर आने में या आपका वीडियो बनने में थोड़ा टाइम लग जाए। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास, तो क्या कहने जा रहे हैं? उसने ऑप्शन दिया मोर ब्यूटीफुल देन एनी गर्ल, मोर ब्यूटीफुल देन एनी गर्ल इज मोस्ट ब्यूटीफुल देन एनी गर्ल, मोर ब्यूटीफुल, तो क्या लग रहा है दोस्तों क्या करना चाहिए? अच्छा ये तो क्लियर है कि जब देन लगा होता है तो हमें डिग्री कंपैरेटिव चाहिए होती है, ये बड़ा छोटा सा रूल था। अब शी इज मोर ब्यूटीफुल, तो ये तो क्लियर हो गया कि मोस्ट वाला पॉइंट तो बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों। अब हमारे पास कौन कौन से हैं, मोर ब्यूटीफुल देन एनी गर्ल इज, अब यहां पर दूसरे करेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं तो इस की भी हमें जरूरत नहीं है दोस्तों। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ए या डी दोस्तों, जो दो ऑप्शन में आपको उम्मीद करूंगी अब भी अगर आप सही कर देते हैं तो भी आप कामयाब हो जाएंगे। तो शी इज मोर ब्यूटीफुल देन, और जैसे ही हमने एक छोटा सा लॉजिक देखा तो हमें याद आया कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद आया दोस्तों देन, और उसके बाद एक छोटा सा रूल आता है वो कहता है एनी अदर प्लस नाउन। तो दोस्तों मैंने आंसर दे दिया विद लॉजिक, छोटे छोटे रूल को लिखते जाएंगे ना दोस्तों, यही वो कहते हैं ना हिंदी में कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों, तो एक एक क्वेश्चन जो है ये आपका घड़ा भरेगा, लेकिन आप एक साथ उम्मीद मत करिए कि कोई पूरा गिलास आपको पिला देगा, ये हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करेंगे दोस्तों, ये कंफर्म है। चलिए तो हमारा आंसर आ गया शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर, तो हमारा आंसर मिल गया दोस्तों एनी अदर गर्ल, उम्मीद करूंगा कि आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट पे आता है दोस्तों, आई कुडंट बिलीव द न्यूज इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू, आई कुड नॉट बिलीव द न्यूज इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू। अब यहां पर एक बड़ा प्यारा कंसेप्ट आया, उसने कहा टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वी वन, ये मैंने यही किया, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वी वन, मैंने यही कंसेप्ट को फॉलो किया दोस्तों। अब ये जो है टू एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वी वन, जैसे मैंने कहा ही इज टू इंटेलिजेंट टू क्रैक द एग्जाम, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ही इज टू इंटेलिजेंट टू क्रैक द एग्जाम, आपको क्या लग रहा है कि मैंने उस स्टूडेंट की तारीफ करी है? नहीं, ये एक आयरोनिकल स्टेटमेंट थी, ये कह रहा था कि वो स्टूडेंट एग्जाम पास नहीं कर सकता, जबकि इस सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं था। मैं दोबारा से बोलता हूं, ही इज टू इंटेलिजेंट टू क्रैक द एग्जाम। अब आप कहेंगे सर ये तो आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि बहुत इंटेलिजेंट एग्जाम क्रैक कर सकता है, लेकिन दोस्तों ये आयरोनिकल स्टेटमेंट है, हिंदी में क्या बोले कि ताना मारने वाला सेंटेंस था दोस्तों, आयरोनिकल स्टेटमेंट था ये, या दूसरी भाषा में कहते सैटायर था दोस्तों। तो यहां पर भी वो यही कह रहा है कि मैं उस न्यूज को बिलीव नहीं कर सका, और मैं ये चाहता था ये सच ना हो, ये सच ना हो दोस्तों, तो क्या करना चाहिए दोस्तों? सो गुड, ये तो कोई फ्रेज ही नहीं है, गुड एनफ जो हो जाएगा ये पॉजिटिव चला जाएगा दोस्तों, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहां एक लॉजिक है दोस्तों, ये एडजेक्टिव का लॉजिक है, एडजेक्टिव प्लस जब आप एनफ की बात करते हैं दोस्तों ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन होता है, जैसे मैंने कहा ही स्मार्ट एनफ टू क्रैक द एग्जाम, तो ये मैं पॉजिटिव कह रहा हूं, लेकिन अगर मैंने वहां पर टू लगा दिया तो वो नेगेटिव हो गया दोस्तों, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो फिर सच हो जाएगा,
मतलब बहुत गंदी न्यूज थी तो वो सच हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि वो न्यूज सच हो। तो दोस्तों हमारा आंसर मिल गया, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, लॉजिक भी बहुत अच्छा था दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा आ गया दोस्तों, नो चेंज। आई होप कि अभी तक आपके सही आंसर जा रहे हैं दोस्तों। तो आंसर मिल गया दोस्तों आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। द प्रोफेसर अलॉन्ग विद स्टूडेंट हैव बीन इनवाइटेड टू द कॉन्फ्रेंस। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको एक कंजंक्शन दिया गया, यहां पर आपको एक सब्जेक्ट दिया गया और फिर एक सब्जेक्ट यहां दिया गया। अब आपको ये तो क्लियर हो गया, अभी हमने सीखा ही था एक से पहले क्वेश्चन में कि सब्जेक्ट के बाद कंजंक्शन, फिर दोबारा एक सब्जेक्ट आता, तो हमेशा वर्ब जो है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं थोड़ा साइड रहता हूं ताकि आप अपना आंसर डिसाइड कर सके दोस्तों। फिर पांच की काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और उम्मीद करते हैं इस बार सही आंसर आएगा दोस्तों। सो द प्रोफेसर अलॉन्ग विद स्टूडेंट, क्या करना चाहिए, हमारी ऑप्शन जो है प्रोफेसर के अकॉर्डिंग जाएगी, इसका हैव तो होगा नहीं, वर होगा नहीं, दो ही ऑप्शन है, और is invited या has been invited, क्योंकि ऑप्शन जो था प्रेजेंट परफेक्ट में था, तो यू कांट चेंज द टेंस। तो ये तो क्लियर हो गया दोस्तों, हमारा आंसर जो हो गया वो has been invited हो गया दोस्तों, और आप उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद करेंगे कि आप इस तरह से और स्टडी करेंगे तो उम्मीद कर पाएंगे। आई एम नॉट यूज्ड, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है, क्या आप आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आई एम नॉट यूज टू वर्क लॉन्ग आवर्स विदाउट ब्रेक, मतलब मुझे आदत नहीं है बहुत लंबे टाइम तक काम करने की बिना ब्रेक के, ये इसकी हिंदी है दोस्तों। सो व्हाट डू थिंक, व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस, नॉट यूज टू वर्किंग, नॉट यूज टू वर्क, नॉट यूज टू वर्क, नॉट यूज टू वर्किंग। अच्छा दोस्तों, अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, हमेशा हिंदी में कहावत सुनी होगी, कोशिश करने वालों की ही जीत होती है दोस्तों, कोशिश जरूर करिए। यहाँ कोई आपकी क्लास तो चल नहीं रही ऑफलाइन, ना ही आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों, इसलिए अटेम्प्ट जरूर करिए दोस्तों। तो क्या लगता है दोस्तों कि इन चारों में से वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर खेल के देखिए क्या ऑप्शन सही निकलता है दोस्तों, ए बी सी डी। विद इन 5 सेकंड में आपका आंसर स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों, उम्मीद करते हो कि आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। चलिए 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या हुआ था, यहां पर एक हमारा कंसेप्ट था यूज टू, और इसके साथ हमेशा आपका आएगा जीरंड, ये जो होगा ये हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज टू होगा, और एक होता है सिर्फ यूज टू जिस पे हम लगाते हैं वी वन, जैसे मैंने कहा, और ये जो काम करता है दोस्तों ये हमेशा पास्ट में काम करता है। जैसे मैंने कहा कि मनीष को सिगरेट पीने की आदत थी, तो हम क्या कहेंगे, मनीष यूज टू स्मोक अ सिगरेट। अब मनीष को पीने की आदत थी, अब ये पास्ट की बात हो रही है दोस्तों, मैंने क्या कहा, मनीष यूज टू स्मोक अ सिगरेट, ये पास्ट की बात थी, लेकिन मैं कहता हूं मनीष को पीने की आदत पड़ गई है, मनीष को सिगरेट वीडियो गेम खेलने की लत पड़ गई है, तो क्या कहेंगे, अब देखिए यही आंसर हो जाएगा, मनीष इज यूज टू, मनीष इज, ये तो नोट वाला है, मनीष इज यूज टू वर्किंग ऑन मोबाइल या कुछ भी प्लेइंग ऑन मोबाइल। तो आपका आंसर मैंने दे दिया दोस्तों, नॉट यूज के बाद यहां पर हमारा वर्किंग राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और ये वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें डी नहीं है। तो आई एम नॉट, ये तीन ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे दोस्तों। तो ए, उम्मीद करता हूं कि आपका अपना स्कोर जरूर चेक करिए, अगर आपका स्कोर 10 में से 6 प्लस है दोस्तों वो बहुत बढ़िया बात है, और अगर 5 तक है तो इसका मतलब थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है, और अगर आप 9 प्लस आ गए हैं तो दोस्तों बस इसी कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, एग्जाम इसी बार पास होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों एक गुड न्यूज भी आपको देनी थी कि हम बहुत जल्दी ही अपने एक जो ऐप है उस पर काम करना शुरू कर दिया है, बस एक रक्षाबंधन फेस्टिवल के बीच में हम थोड़ा सा बाउंड हो गए हैं, और जल्दी जब आप वापस आएंगे तो आपको ऐप मिलेगा और आप आराम से बहुत ज्यादा लर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर।